हेलो नाना, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश बिष्ट है और मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर आज हम आपका जो एमएससी का कोर्स है उसमें जो आपकी फर्स्ट बुक है जो कि एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है जिसका कोड MT501 है, उसकी यूनिट वन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पर आपकी यूनिट वन है वो है नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप। सबसे पहले तो जो हमारी जो यहाँ पर जो यूनिट स्टार्ट हुई है वो नॉर्मल सब ग्रुप से स्टार्ट हुई है, तो इसके लिए आपको प्रायर में जो बीएससी की क्लासेस में आपको जो आपका जो कोर्स होगा एलजेब्रा या फिर ग्रुप वगैरह, तो उसके बारे में आपकी ग्रुप के बारे में आपकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, तो उसके लिए आपको प्रायर नॉलेज किस किस कौन कौन सी डेफिनेशन की होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इससे रिलेटेड थ्योरम्स, उसके बाद फिर उसके नीचे सब ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया, और इससे रिलेटेड थ्योरम्स, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है कि हम कैसे सब ग्रुप बनाते हैं, क्या इसकी नेसेसरी सफिशियंट कंडीशन है। तो उससे पहले जो हमारी जो ग्रुप की जो चार जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेट हमारा कब ग्रुप फॉर्म करता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कैसे हम किसी भी ग्रुप का किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं ना, और कैसे हम हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकालते हैं, चाहे वो प्लस के रिस्पेक्ट में हो या डॉट के रिस्पेक्ट में हो या फिर अदर हमको कोई ऑपरेशन दिया हुआ हो तब हम कैसे उसका इन्वर्स और आइडेंटिटी निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम जो नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने के लिए जो फिर एसेंशियल डेफिनेशन जो हमको पता होनी चाहिए उसमें फिर आता है सब ग्रुप। सब ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर हम किसी भी सेट कौन सा सेट जो इसका सबसेट हो कैसे हम उसको सब ग्रुप फॉर्म कराते हैं या कैसे हम उसको सब ग्रुप दिखाते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जानकारी होनी चाहिए हमारे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, ये सब आपका बीएससी का कोर्स है, ये इन चीज़ों की बात जानकारी आपको होनी चाहिए। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार आप उसको दोबारा रिविजन कर लीजिएगा। ठीक हो गया, साइक्लिक ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन इसके एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर ये हम कैसे निकालते हैं, किसी ग्रुप का ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर, और जो इसी में जो इसेंशियल जो डेफिनेशन है वो किस चीज की, लग्रांजेज थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या इसका स्टेटमेंट है, कब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये फाइनाइट सेट के लिए होती है या इनफाइनाइट सेट के लिए होती है, क्या इसके एग्जाम्पल है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो है प्रायर नॉलेज कि इतना हमको कम से कम पता होना चाहिए हम जब हम किसी नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक हो गया, एक चीज और आता है इसमें, परम्यूटेशन ग्रुप, ये भी आप बीएससी के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। परम्यूटेशन ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, कोई भी ग्रुप हमारा सिमेट्रिक ग्रुप कब बनाता है, कैसे हम परम्यूटेशन दो परम्यूटेशन की कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है या नहीं करता है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद तब जाके हम कहीं जाके पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। आपकी यूनिट यहाँ से शुरू हुई है क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, तो हम आज इसका जो भी आपका जो SLM में जो प्रायर जो एग्जाम्पल है कैसे हम नॉर्मल सब ग्रुप पहचाने, क्या इसकी कंडीशन होती है उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक हो गया, सब ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप भी हमारा एक जनरली नॉर्मल सब ग्रुप भी हमारा किसी ग्रुप का कोई अगर सबसेट है, कोई सबसेट H है, हाँ अगर ये सब ग्रुप बनाता है, पहले इसको क्या बनाना होना चाहिए, इसको सब ग्रुप बनाना चाहिए, तब जाके हम देखते हैं कि क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एनी ग्रुप दैट जी एच इक्वल टू एच जी, G belong to G,
ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई हमारा एच हमारा अगर सब ग्रुप है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप हमारा हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ये कंडीशन क्या है कि जैसे एच मान लीजिए कोई सेट है, जैसे ए बी सी डी सब ग्रुप बना रहा है किसका, जी का, एच कोई मेरा सब ग्रुप है, तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम जी एच निकालें। अब जी एच कैसे निकालेंगे, जी एच कैसे निकालेंगे, जी की देखो जी यहां पर अगर प्री मल्टीप्लीकेशन हुआ है एच से तो यहां पर हम इसके अंदर भी इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जी की प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे एलिमेंट के अंदर, जी ए जी बी जी सी जी डी, ठीक हो गया। और वैसे ही एच जी निकालेंगे वो क्या होगा, ए जी बी जी सी जी और डी जी। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एच मेरा सब ग्रुप है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे का मतलब कि जरूरी नहीं है कि एच जी जो कि ये सेट है और जी एच जो कि एच जी जो कि ये सेट है और जी एच जो कि ये सेट है ये आपस में बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो जिस केसेस में अगर ये बराबर हो जाए, जिस केसेस में बराबर हो जाए फॉर ऑल जी के लिए, कोई भी एलिमेंट हम जी उठा लें ग्रुप का, उसके लिए अगर मेरा कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाए कि एच जी बराबर जी एच हो, तब जाके हम उस सब ग्रुप को कहेंगे कि हाँ ये सब ग्रुप हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है। तो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसमें बना रहा है और एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें नहीं बना रहा है, तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लेंगे सिमेट्रिक ग्रुप S3, ठीक हो गया। जैसे आपने परमुटेशन ग्रुप पढ़ा होगा, इसमें हम इसके बारे में जानते हैं S3 के बारे में, S3 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट आते हैं ना, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसको हम IC डिनोट करेंगे, फिर क्या होता है 1 2 आता है, 1 2 आता है कॉमा, 1 3 आता है कॉमा, 2 3 आता है। अब ये कैसे आता है, इसके लिए आपको बीएससी में एक बार जाना पड़ेगा कि कैसे हम जो एस थ्री हमारा वो जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप बनाता है वो 3 एलिमेंट 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग कैसे हमारा सब ग्रुप बनाता है, सॉरी कैसे हमारा ग्रुप बनाता है, ठीक हो गया। मैं ये बता रहा हूं अभी कि एस थ्री के अंदर किस तरीके से एलिमेंट आते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, दूसरा 1 2 1 3 2 3, यहां पर 1 2 क्या है साइक्लिक के फॉर्म में लिखे, इसका मतलब क्या हुआ 1 मैप पूरा होगा 2 में और 2 मैप पूरा होगा 1 में, इसका मतलब क्या हुआ 1 मैप पूरा होगा 3 में और 3 मैप पूरा होगा 1 में, इसका मतलब क्या हो गया 2 मैप पूरा होगा 3 में और 3 मैप पूरा होगा हमारा 2 में। अगला एलिमेंट क्या आता है, अगला जो एलिमेंट आता है वो है 1 2 3 और 1 3 2, ये हमारा पूरा S3 ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप कॉरस्पॉन्ड टू 3 एलिमेंट 1 2 3 क्या होता है, ये हमारा ग्रुप बनाता है। किसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये किसका मतलब क्या हुआ 1 मैप पूरा होगा 2 में, 2 मैप पूरा होगा 3 में और 3 मैप पूरा होगा 1 में ना, ये साइकिल की फॉर्म है, जैसे 1 मैप पूरा होगा 3 में, 3 मैप पूरा होगा 2 में और 2 मैप पूरा होगा 1 में। तो हमारे ये एलिमेंट आते हैं S3 के अंदर। तो हम इसमें देखते हैं, अब बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन से सब ग्रुप बन सकते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से इसमें सब ग्रुप बन सकते हैं। एक तो H1 बनेगा जिसके अंदर हम खाली एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट को डाल दें, तो ये इसका सब ग्रुप होगा। दूसरा सब ग्रुप इसका क्या क्या हो सकता है, H2 है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दो दो ऑर्डर के सब ग्रुप बनाएंगे। दो दो ऑर्डर कैसे बन सकते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा एक बार 1 2 डाल दीजिए, ये भी इसका सब ग्रुप होगा H1 H2, ये दोनों सब ग्रुप होंगे S3 के। वैसे ही तीसरा सब ग्रुप क्या बनेगा, I 1 3, ये सब आप बीएससी में पढ़ चुके हैं, बस मैं एज ए एग्जाम्पल नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक हो गया। और क्या क्या सब ग्रुप बन सकते हैं,
H4 वो क्या होगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और 2-3 ठीक हो गया। दो दो ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप बन सकते हैं वो क्या क्या हो गए, एक ऑर्डर का तो बना हमारा आइडेंटिटी वाला H1 जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, दो दो ऑर्डर के क्या क्या बन सकते हैं, एक I12 दूसरा बन सकता है I13 और चौथा बन तीसरा बन सकता है आई और I23 का कलेक्शन ठीक हो गया। ये मेरे सब ग्रुप है दो ऑर्डर के, किसके, H3 के ठीक हो गया। अब तीन ऑर्डर के क्या क्या बन सकते हैं, H5 तीन ऑर्डर के क्या क्या बन सकते हैं, तीन ऑर्डर में आएगा हमारा I123 और 132 ठीक हो गया। ये मेरा ग्रुप बनाएगा, ये मेरा सब ग्रुप बनाएगा तीन ऑर्डर का ठीक हो गया। अब जो फाइनल जो हमारा एक सब ग्रुप और बनेगा S6 वो अपने आप में ही क्या होगा, S3। तो ये सब के सब सब ग्रुप बनाएंगे S3 के लिए। तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तब हम जाके उस सब ग्रुप को क्या कह देंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ठीक हो गया। तो अभी हमने देखा कि कैसे S3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे S3 जो हमारा सब ग्रुप था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कौन कौन से हम सब ग्रुप बना सकते हैं। तो उसमें से मैंने एक सब ग्रुप ले लिया H, I12 ये हमारा सब ग्रुप है और S3 में से एक एलिमेंट ले लिया, S3 हमारा ग्रुप है तो उसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट कौन सा, 2-3 एक साइकिल ले ली 2-3 साइकिल जो कि एलिमेंट है S3 का, दिस इज बिलोंग टू S3 ठीक हो गया। एक एलिमेंट उठा के देख लिया। अब हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बताएंगे क्या ये पॉसिबल है ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AH निकालेंगे। अब AH कैसे निकालेंगे कि H जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंटों में हम A की प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे होगा, देखिए A क्या है हमारा 2-3 I के साथ करेंगे, फिर कॉमा 2-3 किसके साथ करेंगे, 1-2 के साथ करेंगे ठीक हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा वही एलिमेंट आ जाता है तो यहां पर तो आ जाएगा 2-3। अब देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए आपको मल्टीप्लाई का रूल पता ही होगा परमुटेशन में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे करते हैं। यहां पर देखिए यहां 1 कहां पर मैप हो रहा है, इसका मतलब हुआ 1 मैप हो रहा है 2 में और 2 मैप हो रहा है 1 में, इसका मतलब हुआ 2 मैप हो रहा है 3 में और ये 3 मैप हो रहा है 2 में। अब हमको ये बनाना है कि इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वो हम कैसे देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहां देखिए कि 1 कहां मैप हो रहा है 2 में, यहां 1 मैप हो रहा है 2 में। अब देखना है कि यहां 2 किस में मैप हो रहा है, यहां 2 मैप हो रहा है 3 में, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 1 मैप होगा 3 में, इसका मतलब क्या होगा कि 1 मैप होगा 3 में ठीक हो गया। कैसे, 1 मैप हो रहा है यहां पर 2 में, 1 मैप हो रहा है 2 में और 2 मैप हो रहा है 3 में, तो इसका मतलब 1 मैप होगा 3 में, तो वही लिखा है। अब वैसे यहां देखिए 2 कहां मैप हो रहा है, 2 यहां मैप हो रहा है 1 में, 1 का तो हो गया, हम 2 का देखते हैं, 2 कहां मैप हो रहा है 1 में और यहां 1 भले ही यहां ना लिखा गया हो, यहां पर 1 नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है 1 में ही मैप हो रहा होगा। अगर यहां जो एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं साइकिल में, इसका मतलब होता है कि वो खुद पे मैप हो रहे होंगे। तो देखिए 2 मैप हो रहा है 1 में और यहां 1 मैप हो रहा है 1 में, तो इसका मतलब 2 मैप होगा किस में, 1 में। बात आई अब 3 देखते हैं, 3 कहां मैप होगा, यहां 3 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 3 मैप हो रहा होगा खुद में, मतलब 3 मैप हो रहा होगा 3 में और यहां मैप 3 किस में हो रहा है, 2 में, तो इसका मतलब 3 किस में मैप होगा, 2 में ठीक हो गया। अब हम इसको साइकिल की फॉर्म में अगर लिख दें, साइकिल की फॉर्म में लिख दें तो अभी क्या बन जाएगा, 2-3 कॉमा, देखिए यहां 1-3 में मैप हो रहा है, 3-2 में मैप हो रहा है और 2-1 में मैप हो रहा है, तो इसका मतलब 1-3-2 क्या आएगा यहां पर, 1-3-2। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने एक एलिमेंट लिया ए, हाँ, जिसकी मैंने मल्टीप्लाई करी एच में और हमको क्या मिला, ये सेट ठीक हो गया।
अब मेरे को क्या देखना है, क्या करके देखना है, एच ए। अब हम निकालेंगे एच ए, अब वो क्या होगा, इसका मतलब अब जो ए एलिमेंट है हमको उसके पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, किसमें करना है, एच के एलिमेंटों में। तो एच के एलिमेंट क्या थे, आई, और ए क्या था हमारा, टू थ्री। दूसरा एलिमेंट क्या था हमारा एच का, वन टू। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एलिमेंट, ए एलिमेंट क्या था, टू थ्री, क्यों हो गया। अब हम उनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी के साथ किसी के भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वही एलिमेंट, ठीक हो गया। अब यहां देखिए इसका मतलब क्या है, वन में पूरा होगा टू में, और टू में पूरा होगा वन में। इसका मतलब क्या है, टू में पूरा होगा थ्री में, और थ्री में पूरा होगा टू में। अब हम दोनों को, हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखानी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या एलिमेंट आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं वन कहां में पूरा होगा। यहाँ पर वन लिख देते, अब देखिए यहां, यहाँ ही वन कहां हो रहा होगा, यहाँ पर मैप वन में ही मैप हो रहा होगा, वन यहाँ वन पे मैप हो रहा है, और यहाँ वन टू पे मैप हो रहा है, जो यहाँ वन वन पे मैप हो रहा है। अब देखना है हमको यहाँ ये वन किस पे मैप हो रहा है, यहाँ ये वन मैप हो रहा है टू में, तो इसका मतलब वन मैप हो रहा होगा टू में। अब देखते हैं टू कहां मैप हो रहा होगा, टू यहाँ मैप किस में हो रहा है, थ्री में, और यहाँ टू यहाँ मैप हो रहा है थ्री में, और यहाँ थ्री किस में मैप हो रहा है, थ्री में, तो इसका मतलब टू मैप होगा थ्री में। वैसे ही थ्री का देख लीजिए, थ्री यहाँ किसमें मैप हो रहा है, टू में, थ्री मैप हो रहा है टू में, और वो टू टू यहाँ किसमें मैप हो रहा है, वन में, तो इसका मतलब थ्री कहाँ हो रहा होगा, मैप वन में। तो अब हम इसको साइकिल की पूरी साइकिल की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या बन रहा है, टू होगा टू थ्री, हाँ, तो वन साइकिल की फॉर्म में बनाएंगे तो वन टू पे मैप हो रहा है, टू थ्री पे मैप हो रहा है, थ्री वन पे, इसका मतलब साइकिल क्या बन गई, वन टू थ्री, इसका मतलब हो गया वन टू पे मैप हो रहा है जैसा लिखा हुआ है, टू किस में हो रहा है, थ्री में, टू थ्री पे मैप हो रहा है, और थ्री कहाँ मैप हो रहा है, वन में। तो ये हमारी पूरी साइकिल बन गई। अब आप ये देखिए कि जो ये दो सेट है एच ए और ए एच, क्या ये दोनों बराबर है, यहां देखिए यहां एच ए कितना आ रहा है, टू थ्री, और इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, यहां पर ये क्या आ रहा है, वन टू थ्री, एच ए क्या आ रहा है, टू थ्री कॉमा वन टू थ्री, और एच क्या आ रहा है, टू थ्री कॉमा वन थ्री टू। तो जाहिर सी बात है यहां से हमको पता लग रहा है क्या, कि हमारा एच ए नॉट इक्वल टू एच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मेरा सब ग्रुप है, जो मेरा सब ग्रुप हमने क्या लिया हुआ था, सब ग्रुप हमने जो लिया था एच आई वन कॉमा टू, ये एच थ्री का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। अगर ये यहां पर एच ए बराबर एच आता, ये दोनों एलिमेंट इसके बराबर सेम आ जाते, तो हम कह देते कि जो एच है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है, लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सब ग्रुप जो हमने लिया हुआ था वो एच थ्री का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा सा तो हम इसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। जो प्रॉपर डेफिनेशन आपके एसएलएम में लिखी हुई है वो क्या होती है, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप इफ इफ जी एच इक्वल टू इफ जी एच इक्वल टू एच जी फॉर ऑल। कोई भी एलिमेंट ले लें हम ग्रुप का, कोई भी एलिमेंट ले लें ग्रुप का, तो जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा एच जी बराबर जी एच आएगा हर एक एलिमेंट जी के लिए, तब जाके हम कहेंगे कि जो हमारा एच है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वो बना कैसे रहा होगा, क्या कोई ऐसा ग्रुप हम देख सकते हैं। अब हम उसी एग्जांपल में जाते हैं एच थ्री, एच थ्री में हमने एक सब ग्रुप एच ऐसा देखा एच आई वन टू जो कि नहीं बना रहा था नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम देखते हैं कि एच थ्री के अंदर कोई दूसरा सब ग्रुप है, ऐसा ऐसा सब ग्रुप है जो बना रहा हो, तो उसका एग्जांपल लिखिए। वो होता है, मैं अगर सब ग्रुप क्या ले लूं, मैंने आपको बहुत सारे सब ग्रुप बना के दिया था, उसमें से अगर हम ये सब ग्रुप ले ले एच आई वन टू थ्री कॉमा वन थ्री टू, ये भी एक सब ग्रुप था, हमने अभी बनाए थे जब बहुत छह सब ग्रुप बनाए थे एच थ्री के, तो उसमें से ये भी एक सब ग्रुप था,
एक सबग्रुप ये तो नहीं बना रहा, अब हम यहाँ देखेंगे क्या ये बना रहा है नहीं बना रहा। तो हम उसके लिए हमने एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं एक जनरल एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट ले रहा हूँ। आप 1 2 की जगह कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, S3 का जरूरी नहीं है आप ये लो। आप दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एलिमेंट लेके भी मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर A लूँ 1 2 लूँ तो अब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले AH निकाल दो, ठीक हो गया। AH कैसे निकालेंगे, H के हर एक एलिमेंट में A से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या हुआ 1 2 5, यहां पर 1 2 1 2 3, 1 2 1 3 2, ये होगा H A। अब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, इन सबकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ये क्या बन रहा होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 ही रहेगा, ठीक हो गया। दूसरा AH, अब इसकी देखिए ये कैसे, यहां पर क्या क्या साइकिल हमको मिल के आएगी, क्या आएगी देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे 1 कहां मैप होगा, 1 यहां 2 पे मैप हो रहा है, यहां 2 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 किस पे मैप होगा 1 पे, 2 यहां किस पे मैप हो रहा है 3 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, और 3 किस पे मैप हो रहा है 3 में, इसका मतलब 2 3 पे मैप हो रहा होगा। और वैसे ही 3 करके देख लेंगे जब हम, तो 3 2 पे मैप होगा। अब यहां पर देखिए यहां क्या होगा, 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है, तो 1 3 पे मैप होगा, 2 2 1 पे मैप हो रहा है, और यहां 2 1 पे मैप हो रहा है, तो 2 1 पे मैप होगा, 2 1 पे मैप हो रहा है, और 3 किस पे मैप होगा 2 पे। तो अगर मैं इसकी साइकिल बनाऊं, तो इसकी साइकिल बनाऊं तो ये हमको मिल जाएगा 1 2 2 3 2 3 और 1 2, यहां पर ये मैप होगा 2 3 1 3 1 3 1 3 पे 3 1 पे, यहां पर थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। तो हमारी जो फाइनल साइकिल मिलेगी AH, वो क्या मिलेगी 1 2 2 3 1 3। अब हम देखते हैं क्या निकाल के, HA निकाल के, अब हम HA निकाल के देखेंगे कि क्या बनेगा। तो हमने क्या करना है, A के साथ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो I 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा कि क्या आएगा, ये आएगा 1 2 1 3 और 2 3। अब हम यहां देखेंगे कि जो एच ए है हमारा, जो एच ए है, जो ए एच है, ये दोनों देखिए सेम आएंगे 1 2, भले ही देखिए ऑर्डर भले ही आगे पीछे हो रहा हो ना, इसकी जगह पर 2 3 आया हो और इसकी जगह पर 1 3 आया हो, इसकी जगह पर मतलब इसका जगह मत समझिएगा, इसका मैं ऑर्डर से ले रहा हूं, इसका मतलब कि ऑर्डर भले ही अलग अलग है, लेकिन जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट है, जो अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो सेम है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो यहां तब जाके हम यहां पर कह रहे हैं कि सिर्फ ए ही एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट आप ले लेंगे, हर एलिमेंट के लिए क्या यहां क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू S3 हम ले लेंगे, उसके लिए क्या होगा, एच ए बराबर ए एच होगा। तो तब जाके हम कहेंगे कि जो हमारा यहां पर एच, जो हमारा सब ग्रुप था, एच हमारा जो सब ग्रुप था, वो नॉर्मल सब ग्रुप भी बनाएगा। तो हमने आज यहां पर क्या सीखा कि कैसे कोई भी ग्रुप हो, उसके कोई भी सब ग्रुप हो, तो उसका कोई भी सब ग्रुप क्या नॉर्मल सब ग्रुप बना सकता है या नहीं बना सकता है, उसके लिए हमको सिर्फ क्या चेक करना है, उस ग्रुप का सब ग्रुप लेना है, उस ग्रुप का सब ग्रुप लेना है, और ग्रुप का हमको कोई भी एलिमेंट लेना है, कोई भी एलिमेंट हमको उठाकर लेना है, हा? उसकी हम उस
सब ग्रुप में प्री मल्टीप्लाई करेंगे और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। सिर्फ हमको अगर हमको ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा सब ग्रुप मिल रहा है, तब जाके हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो ऐसे आप हर हर क्वेश्चन में करेंगे। उसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे हमने S3 पढ़ा, S3 के अंदर हमने कौन कौन से सब ग्रुप पढ़े, एक तो हमने सब ग्रुप पढ़ा ये, और एक उसके बीच भी हमने कह दिया दो ऑर्डर के और तीन ऑर्डर के सब ग्रुप पढ़े। और मैंने क्या कहा था कि क्योंकि हाँ हम जानते हैं कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है, तो ऐसे ही किसी भी ग्रुप के, कोई भी ग्रुप है उसके दो सब ग्रुप तो होते ही होते हैं। एक सब ग्रुप क्या होता है, जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन कर रहा हो, और दूसरा ग्रुप क्या होता है वो अपने आप में खुद, एक जो आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहा है वो वाला सेट और दूसरा वो ग्रुप अपने आप में, तो दो इसके सब ग्रुप होते ही होते हैं। किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप होते ही होते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा वो ग्रुप अपने आप में खुद, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो बाकी जो ग्रुप सब ग्रुप बने होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। इन दोनों के अलावा जो बाकी हमको सब ग्रुप मिलते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। और यहाँ पर ये जो ग्रुप होते हैं हमारे, इनको यहाँ पर जी को हम कहते हैं, अगर जो ग्रुप है उसका सबसेट मतलब जी को हम खुद ही क्या कहेंगे, वो होगा हमारा इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और जो आइडेंटिटी होता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल ग्रुप। जो आपकी SLM है उसको वहां पर साफ तरीके से और अच्छे तरीके से वहां पर लिखा गया है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। और ऐसे ही हम अगली क्लासों में जो नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम प्रूव करते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टियां हैं और इसकी वजह से हम क्या कैसे कैसे एग्जांपल और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब चीजों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।